तो स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल कोडेड में। तो जो मैं आज आपको मतलब मूवी रिव्यू करने वाला हूँ, या फिर ये कहिए जिससे मैं आपको आज रूबरू कराने वाला हूँ, वो कोई और नहीं मलयालम की रीजनल मूवी मधुरम है। मूवी का नाम है मधुरम। मधुरम मतलब आप समझ गए होंगे, लेकिन जो नहीं समझे, मधुरम मतलब मधुर, मधुर मतलब मीठा। तो मतलब मूवी अपने नाम के जैसे ही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मधुर और काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूवी। मतलब है बहुत सिंपल, लेकिन मूवी में मतलब जान डाल दी है अहमद खबीर ने, जो इनके डायरेक्टर हैं। मतलब सिंपल से सिंपल स्टोरी को मतलब बहुत अच्छी तरीके से मूवी बना देना, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल स्टोरी हो लेकिन उसमें एक मतलब एक जान होता है ना, एक जान डाल देना, एक मतलब उसका प्लॉट ऐसा बिल्डअप कर देना, वो जो उसका जो मेन काम होता है वो करता है डायरेक्टर। और यहाँ पर इन्होंने किया अहमद खबीर। जैसे अगर आप एग्जाम्पल लें तो 96 अगर आपने देखी होगी तो 96 की क्या स्टोरी है, एकदम सिंपल स्टोरी है, लेकिन उसका डायरेक्शन इतना अच्छा है कि वो मास्टरपीस बन गई। वैसे ही कुछ है मधुरम मूवी, जिसमें बेसिकली क्या है कि एक हॉस्पिटल का सीन है। मतलब मैं अपने रिव्यू स्पॉइलर फ्री रखता हूँ इसलिए बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। तो एक हॉस्पिटल का सीन है बेसिकली, और उसमें मतलब कुछ लोग एडमिट हैं और उनके बायस्टैंडर्स क्या होता है कि मतलब जो पेशेंट के साथ हॉस्पिटल में रुकता है, वहाँ पे 4-5 लोग आए हुए हैं, सबके साथ एक एक उनमें दोस्ती होती है, एक दूसरे की कहानी मतलब वो अपनी बताते हैं, उनके लाइफ में जो चल रहा होता है, बेसिकली है इतना ही। लेकिन इसको इतने प्यार से बनाया गया, इतने अच्छे से बनाया गया है कि मतलब आप और मलयालम फिल्म की जो सिनेमाटोग्राफी है, फिल्मोग्राफी, मतलब किसी इंडस्ट्री की ऐसी है ही नहीं। मतलब अगर मैं इसकी बात करता हूँ मधुरम में, जैसे ये जोजू जॉर्ज हैं स्टार कास्ट की बात करते हैं, तो इन्होंने साबू का रोल प्ले किया और एक तरह से ये लीड रोल है। मतलब इनको देख के लगेगा, मतलब इतनी शानदार एक्टिंग करी है, इतने मतलब लाजवाब। उसके बाद श्रुति रामचंद्रन है और अर्जुन अशोकन है, निखिला विमल है इसमें। ये सारे स्टारकास्ट में लिखता हूँ, ये सारे स्टारकास्ट ने अच्छी एक्टिंग करी है। ये दोनों का एक पेयर रहता है, ये दोनों का एक पेयर रहता है बेसिकली। अर्जुन अशोकन इसमें क्या होता है कि इन दोनों के बीच में, ये दोनों हस्बैंड वाइफ रहते हैं और ये दोनों हस्बैंड वाइफ रहते हैं, और इन दोनों के बीच के रिलेशन उतने अच्छे नहीं रहते। लेकिन जब ये अपनी माँ के लिए आता है अर्जुन उस हॉस्पिटल में एज अ बायस्टैंडर बन के, और जोजू जॉर्ज आता है अपनी बीवी के लिए जो कि एडमिट रहती है, तो ये 10 साल पुरानी अपनी स्टोरी जब बताता है उसे पीछे जाके, तो मतलब ये कहीं ना कहीं अपने में कमी देखता है और कहता है कि हाँ मतलब मेरी भी ऐसा हो सकता है तो इनके रिश्ते ठीक होते हैं। बेसिकली मूवी इतनी है। और भी बायस्टैंडर थे, एक ताजू करके लड़का रहता है, एक अरुण करके रहते हैं जो कि अपनी बीवी का ऑपरेशन कराने आए हुए होते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा शानदार तरीके से बनाया गया ना, मतलब इसे मैं कहूँगा, अगर मतलब है, मैं हर मूवी का जो भी रीजनल मूवी देखता हूँ पहले रिव्यू देता हूँ और फिर एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, लेकिन इस मूवी का मैं एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊँगा क्योंकि एक्सप्लेन करने जैसा है ही नहीं कुछ। मूवी आप सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं और मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी है ना कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं स्टारकास्ट की बात होगी, रेटिंग की बात कर लूँ, तो एक्टिंग में सबने बहुत शानदार एक्टिंग करी है, खास करके इन चारों ने, तो इसलिए एक्टिंग में 4.5 है। और अगर स्टोरी देखें आप तो स्टोरी में 3 है, क्योंकि स्टोरी उतनी कुछ खास है ही नहीं, लेकिन डायरेक्शन में अगेन 4.5, क्योंकि मतलब ऐसी मूवी जिसके स्टोरी को 3 पॉइंट दे रहा लेकिन डायरेक्शन को 4.5, इसलिए क्योंकि मूवी को इस मतलब अपने डायरेक्शन से इतनी शानदार बना दी, इतनी नॉर्मल सी मूवी को कि मतलब लाजवाब मूवी आपको। और मैं कोडरेट की रेटिंग है CRR लिख दिया मैंने आज, कोडरेट की रेटिंग है 4 और IMDb 7.9। अगर IMDb किसी की 7.5 हो तो वो भी अच्छा माना जाता है, और ये है 7.5। उतने लोगों ने इस मूवी को देखा नहीं अभी, और मतलब ऐसे क्या होता है रीजनल मूवी रहती है तो वो मलयालम में ही रहती है और डब होती नहीं, लेकिन ये मूवी डब्ड है और सोनी लिव पे हिंदी में भी है, तो आप इसे देख सकते हैं, सोनी लिव पे स्ट्रीम कर रही है। और अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप, मैं इंस्टाग्राम ID डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको 3 से 4 घंटे के लिए सब्सक्रिप्शन दे दूँगा, आप मूवी आराम से देख पाएंगे। और उसके बाद जाहिर सी बात है कि मैं पासवर्ड चेंज करूँगा क्योंकि मुझे दूसरे को देना होगा। तो ये था मेरा मधुरम का रिव्यू, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।